दर्शकों, जैसा कि हम लोग देखे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अभी बहुत भयानक दौर से गुजर रही है। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दर्शकों के बीच की नाराजगी और बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अभी हमने हाल में ही देखा कि दो बड़े अभिनेताओं की फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन की बॉक्स ऑफिस का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे बड़े सितारों की फिल्में को बैकआउट का शिकार होना पड़ा। और जैसे कि अभी कुछ टाइम बाद ब्रह्मास्त्र और पठान जैसी फिल्में आ रही है जो कि बहुत बड़े बजट की फिल्में हैं और अभी से ही बैकआउट ट्रेंड करने लगा है। इस पे एक अभिनेता ने सामने आके अपनी गुस्सा जाहिर किया है, वो जो है अर्जुन कपूर ने हाल ही अपने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत समय से चुप हैं, हम लोगों ने चुप रह के गलती कर दिया है। मुझे यकीन है कि मतलब जो फिल्में नहीं अच्छी होती वो नहीं चलती है तो समझ में आता है, लेकिन जो फिल्में अच्छी होती हैं उन्हें भी बायकॉट का ट्रेंड कर दिया जाता है। लोग ये नहीं समझते कि बायकॉट क्यों किया जा रहा है, बस लोग उसमें मिलके साथ देते हैं। तो अर्जुन कपूर ने और ये भी कहा है कि हमें लगता है कि हमें ये जो #बायकॉट के पीछे का जो एजेंडा है उसे कि लोगों को बताना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो मतलब क्यों बायकॉट करें फिल्में, किसी कारण भी न जाने बगैर फिल्मों को बायकॉट करना सही नहीं है। दर्शकों ऐसा ना हो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ऐसा ना हो कि अर्जुन कपूर को ये बोलना ही भारी पड़ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।